अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सपोर्ट क्लोज पॉलीलाइन कोऑर्डिनेट टू एक्सेल। आपके पास कोई भी क्लोज शेप के पॉलीलाइन हो, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, कोनी पॉलीलाइन चाहिए, ठीक है, तो पॉलीगोन हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉलम के लेआउट है और यहाँ पे ये एक लिस्ट है। लिस्ट को मैं लोड करता हूँ, इसकी शार्ट कमांड है PL XY। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन आई है, यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ जो मेरे पॉली लाइन है, और यहाँ पे ये जो है मैं इसको फाइल नेम दे देता हूँ, मैं वन का नाम दे देता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फाइल हमारी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई। आप लोग देख सकते हैं फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो गई है। आपने इस डाटा को सिलेक्ट करना है, डाटा टैब पे क्लिक करके टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है, डेलिमिटर नेक्स्ट, और यहाँ पे टैब पे क्लिक करना है और स्पेसिमन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करके आपने फिनिश कर देना है, डाटा आपका कॉलम में आ जाएगा। तो ये एक्सेल का डाटा है, और यहाँ पे अगर आप ऑटो कैड में देखें तो यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट ड्रा हो गए, और इनके साथ ये जो टेक्स्ट है वो भी ड्रा हो गई है। इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मैं इसको 0.3 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे अभी ये सिंगल टेक्स्ट सेलेक्ट हुई थी हमारी, यहाँ पे आपने किसी एक पे क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करना है, और यहाँ पे ये जो फॉन्ट है इसको आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर लेना है, ठीक है। आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर, और यहाँ से आप इसको ये जो स्टैंडर्ड लिखा है यहाँ से आप इसको रोमन कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपके ड्राइंग में अवेलेबल होगा, ठीक है, आप उसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड ही रखा है। तो ये मेथड था इसको एक्सपोर्ट करने का। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।